जनपद उधम सिंह नगर में बॉर्डर पर शादी करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आए दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग बॉर्डर पर शादी कर रहे हैं, जिसके चलते आज काशीपुर के एक बॉर्डर पर शादी संपन्न हुई। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के बाद बॉर्डर पर लगातार शादियां की जा रही हैं। वहीं काशीपुर में सूर्य चौकी स्थित बॉर्डर पर एक और शादी देखने को मिली, जहां काशीपुर के ग्राम कड़ीनेगी निवासी अंकित कुमार का रिश्ता मुरादाबाद की सुनीता से जनवरी में तय हुआ था, जिनकी शादी 6 मई को होनी तय हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन में निश्चित तिथि पर दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसके बाद अंकित कुमार के परिजनों ने प्रशासन से अनुमति लेकर सूर्य चौकी स्थित बॉर्डर पर अंकित का विवाह सुनीता से किया। बॉर्डर पर हुई शादी के बाद दुल्हन को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। दूल्हा अंकित कुमार ने बताया कि शादी करने का मौका सौभाग्य से मिलता है, लेकिन शादी की तारीख निश्चित होने के बाद प्रशासन को सहयोग करते हुए लॉकडाउन के पालन के अनुसार शादी संपन्न हुई। डेट रखी होने के कारण अब ऐसा करना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से क्या कर सकते हैं, प्रशासन को सहयोग करते हुए हमने यहाँ पे शादी की। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गढ़ीने की, तहसील जसपुर। लड़की? ये जिला मुरादाबाद बसंतपुर रामगंज ग्राम। तो अब लोग, अब लॉकडाउन के हिसाब से प्रशासन की देखते हुए जैसी शादी करते हैं की तय हुई थी, और ये लॉकडाउन की वजह से बढ़ करके जो है 8-10 मई को हुई है। और दूल्हा जो है गढ़ीनेकी का रहने वाला है, दुल्हन मुरादाबाद की रहने वाली है, और प्रशासन के साथ मिलकर के उनके सहयोग से जो है कि हमने कानून को दायरे में रह करके हमने बॉर्डर पर शादी की है, और प्रशासन को साथ लेकर के हमारे पास परमिशन थी, SDM साहब से हमने परमिशन भी ली थी, और हमने भी जो परमिशन के हमारे को नियम और कानून मिले थे, हमने उसी को दायरे में रख करके ये काम किया। ये हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई है।